हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी द्वारा करवाई गई सिविल इंजीनियर की परीक्षा के दौरान दिए गए प्रश्न पत्र में ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों ने टोहाना में स्थित शहीद चौक पर सरकार व कमेटी चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वे प्रश्न पत्र बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सारे समाज को विदित है, सारे हरियाणा को विदित है, 10 अप्रैल को जूनियर सिविल इंजीनियर की परीक्षा हुई थी। उसके अंदर एक प्रश्न डाला गया जिसके अंदर ऑप्शन के अंदर जाति और रंग भेद टिप्पणी की गई और विशेष तौर से ब्राह्मण समुदाय के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसमें रंग भेद की टिप्पणी की गई है और ब्राह्मण कन्या और स्त्री जाति के ऊपर टिप्पणी की गई है जो घोर निंदनीय। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार का पुतला फूंका। वहीं उन्होंने कहा कि समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेवार केवल सरकार होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ऐसा करके ब्राह्मण समाज के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया गया है। इस घटना को लगभग एक महीना हो गया है, पूरे हरियाणा में रोष प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ना ही तो अभी तक किसी दोषी को पकड़ा गया है और ना ही किसी का इस्तीफा लिया गया है। इससे पता चलता है कि सरासर ये एक साजिश का हिस्सा है। हमने कई बार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मांग की कि दोषियों के खिलाफ सजा होनी चाहिए और जिसने भी ये प्रश्न पत्र बनाया है उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके कारण पूरे समाज के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर रोष फैल गया। बता दें कि प्रदेश भर के ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा सरकार व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी पर सिविल इंजीनियर की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पर ब्राह्मण समाज पर रंग भेद व ब्राह्मण समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा टोहाना में भी रोष प्रदर्शन किया गया है।